रविचंद्रन अश्विन को किंग्स इलेवन पंजाब टीम का कप्तान बनाया गया है। पिछले दिनों से अश्विन की टीम इंडिया के लिमिटेड ओवर टीम से तो छुट्टी हो ही चुकी है और अब टेस्ट टीम में भी उनकी जगह पक्की नहीं रह गई है। ऐसे में क्या अब अश्विन ने खुली बगावत कर दी है? क्या अश्विन ने धोनी और विराट कोहली के खिलाफ बागी तेवर अपना लिए हैं? असल में ये सवाल इसलिए हैं क्योंकि आईपीएल में पहली बार कप्तानी कर रहे अश्विन ने अधिकतर मैच या तो महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में खेले हैं या फिर विराट कोहली के। लेकिन अश्विन का साफ साफ कहना है कि वो इन दोनों ही की तरह बिल्कुल भी नहीं बनना चाहते हैं। अश्विन ने कहा कि ना तो वो विराट की तरह कैप्टनशिप करना चाहते हैं और ना ही धोनी की तरह कप्तानी करना चाहते हैं। यही नहीं, अश्विन ने कहा कि वो एक खास खिलाड़ी की तरह कप्तानी करना चाहते हैं और अश्विन ने चौंकाने वाला नाम लिया। इंडिया टीवी को दिए इंटरव्यू में अश्विन ने कहा कि वो गौतम गंभीर की तरह कप्तानी करना चाहते हैं। गंभीर उनके आइडियल कप्तान हैं और गंभीर की ही तरह नेतृत्व करना चाहते हैं। उन्होंने जो भी कप्तानी के बारे में सीखा है वो सब कुछ गंभीर से ही सीखा है। साथ ही अश्विन ने कहा कि वीरेंद्र सहवाग से भी उन्होंने काफी कुछ सीखा है। अब अश्विन के दिल में क्या है ये तो वही जाना है, लेकिन इतना तो साफ है कि अश्विन विराट और धोनी के रवैये से खुश नहीं है और इसीलिए अश्विन ने दोनों के लिए ऐसी दो टूक बातें कह दी। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।